अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यार हमें कहा बताएं इरशाद, अगर ये अनपढ़ वाली बात छोड़ दी जाए ना, मतलब भूल जाओ कि अनपढ़ है, भूल गए तो माँ कसम बता रहे हैं तुम्हारी भाभी ना बहुत अच्छी है। एक तो कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर, और हमारे लिए खड़ी होती है, हमारा साथ देती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार वालों को कुछ बोल नहीं पाते, वो बोलती है। और सबसे मजे की बात, दरोगा साहब को जवाब देती है, भिड़ जाती है उनसे। दरोगा साहब एक, ये एक, वो दो, ये दो, भाई मजा आ जाता है देख। तो फिर और क्या चाहिए भैया तुमको, सब मन मुताबिक ही मिल गए, नाचिए। और नहीं तो क्या भैया जी, आप यहाँ नाचिए और भाभी जी वहाँ महिला संगीत में नाच रही होंगी। पूर्णिमा को नाचना नहीं आता होगा। अब देखो भैया, नई नवेली दुल्हन है, नचाए बगैर छोड़ेंगे नहीं। नाच पूर्णिमा, नाच नाच पूर्णिमा। पढ़ना लिखना नहीं आता पर नाचना वचना भी नहीं आता क्या? आता ही होगा, म्यूजिक तो बजाओ बजाओ बजाओ। जय गंगा मैया की। जी पूर्णिमा नाचते नाचते चलेगी। कैसे दीदी? देखो हमें आज जलेगी पूर्णिमा ये पेट्रोल से। सिद्धार्थ भैया, कोई
तुम ठीक हो ना पूर्णिमा, तुम ठीक हो ना? छुटकी इधर। हाँ घर चल। क्या हुआ? रुक जाइए, हम अभी शूटिंग करता हूं आपका। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप हीरो लग रहा है और हीरोइन ही लग रहा है। नीचे उतर, हमको नीचे। ए का देख रहा है? इका पोज बनाया, महानगर जाके ये प्रैक्टिस कर रहा है पहले से। पूरा गांव चल के आया है। अरे शर्म नहीं आया? तेरा आंख का पानी मर गया है भौजी। पैर जल गए इसके। पैर जल गया है दोनों? मतलब तुम कुछ कहोगे और हम लोग मान लेंगे। ये देखिए, ये यहां जला है पैन। बाऊजी हम क्या कह रहे हैं, हमारा ये प्यारा भाई सिद्धार्थ साड़ी ब्लाउज पहन के ठुमका लगा रहा था। और सारी औरतें मजाक उड़ा रही थी, अब हम कैसे जाएंगे बाहर? अरे तो मत निकलो ना बाहर। हमारा साड़ी पहन के नाचना सबको दिखा। पूर्णिमा जलते जलते बच गई, ये किसी ने नहीं देखा। अभी तो जलते जलते बच गई। आपका ये जो बंदर नाच है ना, ठुम 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 ठुम, अगर ये बंद नहीं हुआ तो एक दिन कहीं पूरा जल मेरा मुंह नहीं खुलवाना। बाबूजी आपको समझाना बेकार है, आप सबसे बहस करना ही बेकार है। मत कीजिए बहस, वो समझाइए। एक बात बताइए, आप होते कौन है हमें समझाने वाले? चलिए बहस नहीं करते, सीधे पॉइंट पे आता हूं। तीन विकल्प रखता हूं आपके सामने। विकल्प नंबर वन लीजिए और जाइए। पूर्णिमा को साथ में लीजिए, जाइए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। मर्द की औलाद है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम इतना नहीं कमाते कि इसको अकेले लेके निकल जाएं। और वैसे भी हमारी शादी जबरदस्ती आप लोग करवाए थे ना, तो आप देखिए। जबरदस्ती करवाए थे? यहां तंबूक रखा था, समझाइए इसे। छोड़िए। विकल्प नंबर टू, यह है ना कामकाज वाला बंदा,
देख कैसे सर उठा के जीती है, जेवर पहनती है, स्टाइल चलाती है, कमा जा और सर उठा के जी समाज में, अपना पत्नी संभाल, अपना गृहस्थी संभाल, आगे चच्चा बच्चा होगा, खर्चा होगा। 15 साल से बाबूजी हम यही सुन रहे हैं, जीजा की फैक्ट्री में जाइए और काम कीजिए। 15 सालों में जब आप अपने सपने को नहीं मार पाए, आप चाहते हैं कि आपके विकल्प के चक्कर में हम अपने सपने को मार दें। अच्छा, कई बात है, चलिए तो विकल्प नंबर 3। कल शाम तक हमें 5 लाख रुपया दे दीजिए और अपना बंबई जाने का नौटंकी पूरा कीजिए। पांच लाख रुपली कल शाम तक आप हमको दे दीजिए, हम संभाल लेते हैं और सारा खर्चा पानी हम संभाल लेंगे। आपकी पत्नी आपसे कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। आइए भी सुन लीजिए, कल शाम तक अगर ये 5 लाख रुपली ये विकल्प नंबर 3 आप नहीं दे पाए तो पूरा परिवार बिटनेस भी है और इनका कसम भी डाल देता हूं, जाइए। कि जो हम कहूंगा वही आपको करना पड़ेगा, सुन रहा है बाबूजी? क्या तरीका है, मतलब अपनी कसम दिला के आप जो चाहे हमसे करवा लेंगे और हम कर लेंगे? आपकी भलाई चाहता हूं भाई, और हमें कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, हम पे एहसान करेगा, छोड़िए तरीका बड़ी का। जो हम कहा उस पर ध्यान दीजिए और अमल करने की कोशिश कीजिए कि ये 3 विकल्प में से आपको क्या चुनना है। वैसे ससुर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमारे अनुसार भी जो आप विकल्प दिए हैं ना एकदम सही दिए हैं। सिद्धार्थ हम तो कहते हैं कि चलो हमारी कंपनी कछु काम धाम करो, पैसा वैसा कमाओ तो समाज में इज्जत बनेगी, ठीक है? आप सब लोग रुकिए, आते हैं, कोई हिलेगा मत, हिलेगा मत। और महारानी तुम पूरे गांव के सामने तुम्हारा मरद साड़ी या ब्लाउज पहन के ठुमका लगा रहा था और तुम मरद का ठुमका देख रही थी, हाँ? रोके काहे नहीं रे? अम्मा हमसे बात कीजिए ना। चुप, काहे नहीं रोकी तुम? चीनी नमक, ये चीनी और नमक का क्या करोगे? बता रहे हैं ना, बताते हैं। ये गई चीनी और बाबूजी ये रहा नमक। ये सब का है भैया? तब इसमें से सब लोग चुन लो किसको चीनी चाहिए किसको नमक चाहिए और आ जाओ यहाँ पे अलग करके चुन लो। सिद्धार्थ पगला गए हो का कर रहे हो ये है? राशन है ये, राशन देखो। पगला तो गए हैं ना हम, पर आप चुनिए ना जीजा जी, चुनिए क्या चाहिए आपको, चीनी चाहिए नमक चाहिए? नहीं चुन पाएंगे ना, नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसमें से चुनना आसान है ही नहीं। और ऐसे 3 विकल्प आप हमें दिए हैं, कैसे चुन ले उसमें से? लेकिन आप सब लोग समझते ही नहीं और आप सबको हम समझा भी नहीं सकते। अब हो गया पूरा आपका नमक और चीनी का कांड, भगवान इसे समझाइए। पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय,
जानते हो ना इसका मतलब क्या होता है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने का, 3 विकल्प दिया है उसमें से चुन लीजिएगा। सुबह नाश्ते पर मिलते हैं, जाइए अपने कमरे में जाइए, रात बहुत हो गया है, जाइए सो जाइए। ए जी, आप ऐसे काहे बाबूजी से बात कर रहे थे? छोड़ो ये तुम सब। नहीं पर अरे बोला ना छोड़ो। परेशान मत होइए जी, जो होगा ना सब अच्छा होगा। साला समय पे यहाँ पे कोई चीज मिलती का है नहीं है। से शुरू हो हर सांस तुझ पर खत्म, धड़के तू दिल बन के हमने, तब जाके जीते हैं हम। तेरी मोहब्बत है यारा हम पर रब का करम, धड़के तू दिल बन के जाके जीते। पूर्णिमा को साथ में लीजिए, जाइए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ये है ना कामकाज वाला बंदा, देख कैसे सर उठा के जीती है, जेवर पहनती है, स्टाइल रहती है। 5 लाख रुपली कल शाम तक आप हमको दे दीजिए, हम संभाल लेते हैं और सारा खर्चा पानी हम संभाल लेंगे। तुम सो जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? हम बाहर में जा रहे हैं, जिसके सपने ही दांव पे लगे हों तो उसको नींद तो आएगी। देखते हैं कुछ करते हैं, क्या करना है। आपको जो देखना ही है देखिए, वो बाहर जाकर के देखने का जरूरत नहीं है। जाने दो। नहीं हम नहीं जाने देंगे। सामने से हटो, हमें जाने। नहीं हटेंगे ना, जाने देंगे आप। हमें जाने दो। क्या कर क्या रही हो तुम? अरे क्या, अरे हम भी देखते हैं बाहर कैसे जाते हैं। तुम बांध का रही हो हमें? अब जाके दिखाइए, हम कह रहे हैं आपको नहीं जाने देंगे, काहे जिद कर रहे हैं हमसे। छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे और नहीं जाने देंगे आप। हमें जाने दो, छोड़ो हमें। अरे हम कह रहे छोड़ो हमें। ये मुझे उसी पता ना हमारा बेटा को कहा खुट्टी पिला रही है, जरूर इसका नैहर में ना जादू टोना करता होगा सर। जब तक हमारा बेटा के जिंदगी में रहेगी तब तक बेटा ना हमारा अच्छा कुछ सोच सकता है ना समझ सकता है, ना हम उसको कुछ अच्छा समझा सकते।
नागिन बन के छाती पे डसती रहेगी हमारा बेटा को, कैसे हमारा बेटा कुछ अच्छा सोच पाएगा, कर पाएगा? सोचने दीजिए भगवान, आज का पूरा रात है उनके पास सोच विचार करने खातिर। पढ़ा लिखा है, समझदार है, खानदानी है, तो कौन अच्छा फैसला ही करेगा? काहे इतना परेशान है जी? हम बोल रहे ना सब ठीक हो जाएगा। हमारे घर वाले हमारी जिंदगी, हमारे सपनों को तीन विकल्प में बांट दिया। तीन विकल्प में हमारे सारे सपने। काहे को परेशान नहीं होंगे हम? हैं हम परेशान, हैं हम परेशान, बहुत परेशान हैं। पर हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमारा भरोसा कीजिए, सुबह तक हम दोनों मिलकर के कोई ना कोई अच्छा हल जरूर निकाल लेंगे इस बात का। भरोसा रखिए थोड़ा सा।